आज ही टेस्ट होंगे, खेमे लगे हैं, नीचे कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, सही वलीमे का माहौल है। हमें एक और देखिए, हम जहाँ पे जाते हैं यूईटी वाले टक्कर जाते हैं शहर। और ये मुझे जानते हैं यार वीडियोस के तहत, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन इन मेरे ग्रुप्स के बारे में और मेरे अपकमिंग वीडियो के आइडिया के बारे में भी पता है। सो फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी जो कि इस्लामाबाद G10-4 में, उनका टेस्ट था 2। राम मरहबा आदाब नमस्ते संगी वर्ल्ड पीपल। तो फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी में अप्लाई किया था जब मेरी जॉब इधर नेस्ट में नहीं लगी थी, और तब की डेट आगे होती 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 अभी आके मेरा टेस्ट हो रहा है आज। और मैंने कहा चलो अब अप्लाई किया वही है तो टेस्ट दे देते, दो की मेरी तैयारी नहीं है लेकिन सॉर्ट ऑफ एक एक्सपीरियंस हो जाएगा अपकमिंग टेस्ट के लिए। और उससे बढ़कर जिस तरह के मैं पहले कहता हूँ कि मेरे टेस्ट से बनता है एक व्लॉग, जिससे होता है मेरे से ज़्यादा उनको फ़ायदा जो बाद में इस टेस्ट के लिए किसी भी टेस्ट के लिए अपेयर होते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए ये टेस्ट था, और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ले रही है फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी। और सीन्स बहुत हैवी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वार्म आई हुई है। लेट मी शो यू, ये बाय द वे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के गेट नंबर 5 से एंटर हो रहे हैं। ये सामने जिना हॉस्टल, और ये देखें जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ पीपल दैट आर गैदर्ड हेयर फॉर दिस पोस्ट। बाय द वे यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है, इन्होंने खैमे डाले में, इसमें टेस्ट होगा और वहाँ आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक और देखिए, हम जहाँ पे जाते हैं यूईटी वाले टक्कर जाते हैं तो वी हैव महत नोमान हाई फ्रॉम मैकेनिकल 16। और मैंने कहा था जिस तरह मल्टीपल पोस्ट है, मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो ऑब्वियसली मल्टीपल पोस्ट है, मुझे कहीं और भी पीछे नज़र आ रहा है। और देन वी हैव उस्मान, आपके दोस्त हैं? हाँ जी। अच्छा, एंड ही हैज़ कम फ्रॉम खुशाब। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, और मुझे भी पता चल रहा है 70% जनरल है और 30% टेक्निकल है, तो थोड़ा मुझे तो हौसला मिला। 70% टेक्निकल, 30% शिट यार, अब दुख हो रहा है मैंने पीछे उल्टा सुना था। खैर, दे आर कॉलिंग अस आई गेस, तो हम चलते हैं। ओके, ये इस तरह जी टेस्ट होंगे, खेमे लगे हैं, नीचे कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, सही वलीमे का माहौल है, पुराने वक्तों के वलीमे का, और इंतज़ार हो रहा है गर्मी में। सुने वैसे एक प्रो टिप है, किसी भी टेस्ट पे जाना हो ना तो आप एक पानी की बोतल साथ रखें, एक क्लिपबोर्ड साथ रखें, एक पेन साथ रखें, गर्मी है पानी तो मैं साथ रखें। एसी कूलर उठा के ला सकते हैं तो वो भी उठा। हाँ मिलते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उज़ैर। और ये मुझे जानते हैं यार वीडियोस के तहत, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन इन मेरे ग्रुप्स के बारे में और मेरे अपकमिंग वीडियो के आइडिया के बारे में भी पता है। तो ही इज़ फ्रॉम फास्ट, नज़र तो दिखा दें हमने। ओके, बाकी टेस्ट के बाद मिलते हैं। और अभी हमारा हमालनामा देने का टाइम हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस फिर मिलते हैं आपसे टेस्ट के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके पेपर तो हो गया, पर ये क्या था, मतलब इस तरह सिचुएशन फीलिंग आ रही है। टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वाकई इलेक्ट्रिकल से थे, और वो भी डीसी, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन से, जो बेसिकली ज़्यादातर पढ़ाई नहीं जाती कोर्स के अंदर क्योंकि न्यू चीज़ है। और एक क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन थे जो मशीन में से थे, बाकी सब का सब लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, सिग्नल एंड सिस्टम्स, इमेज प्रोसेसिंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और इसके अंदर था, और जो जनरल 70% और जो जनरल पोर्शन था उसमें इंग्लिश एडजेक्टिव्स वो सिंपल था, मतलब एडजेक्टिव्स वगैरह और कंडीशनल्स, और पार्क स्टडीज़ भी टफ था। मतलब ओवरऑल द टेस्ट वाज लाइक हमने आपको नहीं रखना, हमने आपसे इंटरव्यू भी नहीं लेना, गए अपना मुंह धो के। खैर स्टिल मैं एक मैंने नोट करूँगा घर जाके, कुछ मैंने हिंट्स लगाए भी हैं पेज के ऊपर कि जो जो उससे क्वेश्चन आए थे मैं उसका
उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी रास्ते में देखता हूँ कोई मैकेनिकल का बंदा मिले, क्योंकि साथ मैकेनिकल की भी पोस्ट थी, अगर कोई मैकेनिकल के पेपर की क्या हालत थी वो भी मिल जाए तो ठीक है, वरना चलते हैं और घर जाके सुकून से टाइम निकाल के आपको फिर से बताते हैं क्या। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सुकून पालूँ तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। मैं वहाँ पे बैठ के लिखते ही रहा था, क्योंकि आता जाता तो मुझे कुछ था नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से आ गया था। रोशनी इज कम, तो रोशनी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। सो फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो कि इस्लामाबाद G10-4 में, उनका टेस्ट था। दो पोस्ट थी, एक थी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और एक थी सिर्फ मैकेनिकल। लोगों ने दोनों पे भी अप्लाई किया हुआ था, तो वो दोनों टेस्ट दे रहे थे एक ही टाइम के ऊपर, और मैंने खाली इस पे किया हुआ था, और ये भी पता नहीं कहाँ से पेपर था। इलेक्ट्रिकल नहीं, इधर सिर्फ टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन होना चाहिए था, क्योंकि पेपर जो था वो तकरीबन वहीं से था। यूजुअली जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के पेपर में 50% पोर्शन तो पावर से होता है। दैट वाज यू कैन से माय रोल नंबर स्लिप जो उन्होंने मुझे घर भेजी। अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो आई ट्राइड कि जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे, दो के सारे ही नहीं आते थे तकरीबन, क्योंकि थिंग इज़ के हमने काफ़ी सब्जेक्ट पढ़े नहीं। माइक्रोवेव्स डिग्री में नहीं पढ़ाया जाता, कम्युनिकेशन वालों को पढ़ाया जाता है, और टेली कम्युनिकेशन और सिग्नल सिस्टम का भी एक कोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी एमसीक्यूज़ थे। खैर आसान थे, कुछ मुश्किल थे। ये इक्वेशन दी हुई थी, इसके पोल्स एंड जीरोस फाइंड करने थे, जो कि अगर आपने कंट्रोल्स पढ़ी हुई है तो आप इजीली कर लेंगे। आरओसी ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कितना होता है। फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन आए हुए थे। ये क्वेश्चन था कि अभी इमेज प्रोसेसिंग था, ऑब्वियसली ये भी हमने नहीं पढ़ी, तो ये इतने बिट्स टू रिप्रेजेंट इतने पिक्सल विद ग्रे स्केल व्हाट कंप्रेशन रेशो, इतने बिट से इतने साइज का ग्रे स्केल इमेज रिप्रेजेंट करना है तो उसकी कंप्रेशन रेशो क्या हो। या उसके बाद एक्स एन इज इक्वल्स टू माइनस एब्सोल्यूट एन मे बी कॉल्ड एज ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, नॉट इवन, नॉट ऑड फंक्शन, इस तरह के हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये तो मैंने सुना ही पहली दफ़ा था। हाउ टू रिड्यूस सॉल्ट एंड पेपर नॉइज, अगेन इमेज प्रोसेसिंग, बाई क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन क्या होती है। फिर एक हमें इक्वेशन दी हुई थी, एंड कैन बी कंसिडर्ड एज राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, बताना था कि आसान क्वेश्चन था, खैर लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है ये बताना था। देन प्रोटोकॉल्स क्या आते हैं, ठीक है, फिर ये आई टी सॉर्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की तरफ से, फिर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन रेंज, हाँ ये आसान था अगर आपको ट्रांसमिशन रेंज पता है तो, ठीक है, अगेन लेकिन द थिंग इज ट्रांसमिशन में से आया है, सिग्नल ट्रांसमिशन में से, तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन रेंज कितनी होती है। वेरिएंस प्रोबेबिलिटी, ये मैथमेटिक्स, मतलब पावर, क्या सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, लेट मी रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी के अंदर से था वेरिएंस प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पैसिव पावर ग्रिड्स क्या होते हैं, और इसके अंदर ये टाइप्स थी CSC VSC MMS, ये मतलब अगेन इट वॉज न्यू टू मी, बहरहाल मैं इसके बारे में ज़रा पढ़ूंगा तो देन कुछ शायद पढ़ा लिखा। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में से क्वेश्चन थे, शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर में से क्वेश्चन थे, स्किन इफेक्ट क्या होता है आपको पता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से भी क्वेश्चन थे। इफ़ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इज एडेड इन रोटर ऑफ डीसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर तो उससे क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज करेगी, टॉर्क डिक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। इफ़ टू सिग्नल्स आर देयर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इफ वी एड टू सिग्नल्स, हाँ अगर दो सिग्नल्स को ऐड करवाया जाए तो उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे क्या असर पड़ता है। एरिया अंडर यूनिट इंपल्स फंक्शन कितना होता है, और सिंगुलैरिटी फंक्शन क्या होता है, और बस थोड़े से रह गए, हाँ उसके बाद मार्कोव प्रोसेस, अगेन इट वॉज मतलब लाइक सुना हुआ नहीं था कभी। रोबोटिक्स में लोकलाइजेशन किसे बोलते हैं, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन जाएँ
तो हाँ, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कौन सी चीज़ करती है, जेड ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म या दोनों या कुछ भी। फॉर स्टेबल सिस्टम जीरोज, हाँ स्टेबल सिस्टम के लिए जीरोज कहाँ पे होने चाहिए, जीरोज इन पोल लेफ्ट पे होने चाहिए, राइट पे होने चाहिए, ग्राफ में किधर। मल्टीप्लाइंग मॉड्यूलेशन इम्पेयरमेंट, हाँ मल्टीप्लाइंग मॉड्यूलेशन और इम्पेयरमेंट, ये इनमें से क्वेश्चन थे सिग्नल के। नाइकस थ्योरम, अल्लाह गवाह मुझे तब भी समझ नहीं आई थी जब हमने पढ़ा था अपने दौर में, तो वहाँ से क्वेश्चन थे। विक्टोरिया आगे जनरल क्वेश्चन में, विक्टोरिया फॉल कहाँ वाक़ है, कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया और लेंथ ऑफ चनाब रेंज और हिब्रू नेम ऑफ पीस बी अपॉन हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिब्रू नेम क्या था, दैट वाज फ्रॉम द जनरल पोर्शन। 100 एमसीक्यूज थे, 1.5 घंटा था, एम्पल टाइम था अगर आता होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट, मिलते हैं आपसे किसी और टेस्ट में, प्रिपेयर फॉर अपकमिंग टेस्ट और बस हाँ ठीक है, टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं जो भी, टाटा।